सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज, आप लोगों के ढेरों मैसेजेस मेल्स मेरे पास में आ रहे हैं और सब में सिर्फ एक ही सवाल है, भरा पड़ा हुआ है कि सर रिजल्ट कब आएगा और कैसा होगा। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी एक अच्छा अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है। एक नहीं, इनफैक्ट कहना चाहिए कि दो बड़े अपडेट्स दूंगा मैं आपको। तो वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप नहीं करना है। एंड येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत 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 थैंक्स कि आप लोगों ने जो हमारे चैनल के ऊपर जो ट्रस्ट, जो भरोसा शो किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम काफ़ी परेशान थे। कल शाम को मेरी टीम और हम लोग बैठ के बात कर रहे थे शाम के वीडियो डालने के बाद में, और उसके बाद में हम लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा था करीब 4 बजे आसपास मेरे ख्याल से, कि रिजल्ट आखिरकार अटका कहाँ पड़ा हुआ है। ये जो अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, पता नहीं दूर से दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे खुला हुआ है CBSE का ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी जो नहीं आया तो उसको लेकर के हमने अपने जो कह लीजिए बहुत कंफर्म सोर्सेज हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो वहां से एक चीज निकल करके आया कि सर सब कुछ हो चुका है, सारा चीज रेडी है, लेकिन अब लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन है उस पर सारा काम किया जा रहा है। मतलब कि समझ लीजिए कि एक फाइनल ग्लिम्स पे नजर डाली जा रही है, और इस वक्त क्या किया जा रहा है कि जिन बच्चों का भी मार्क्स वैसा लग रहा है कि कम है, तो उनको ग्रेस मार्क्स जो है वो दे दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा खुशखबरी है गाइज। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि रिजल्ट बहुत 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 शानदार आएगा, मार्क्स की बौछार होगी। मैंने पिछले साल भी कहा था और एग्जैक्ट वही हुआ था, और इस बार तो वैलिड रीजन है हमारे पास में कि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। आप लोग इसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाओ। क्यों निश्चिंत हो जाओ? क्योंकि CBSE का जो कह लीजिए कि कंपिटिटिव बोर्ड जो है, सबसे मेन बोर्ड कंपिटिटिव बोर्ड जो जिससे तुलना की जाती है, वो है ICSE, ठीक है। तो ICSE जो है वो अपना रिजल्ट 99.98% शो कर चुका है, मतलब 0.02% का सिर्फ जो भी इधर उधर हुआ हेर फेर, या जो बच्चे रिपीटर में चले गए या जो भी हुआ, सिर्फ 0.02% का हेर फेर हुआ है। तो अब CBSE अगर अपना रिजल्ट नहीं करेगा तो अब आप खुद सोचो, अगर CBSE ने अपना रिजल्ट अच्छा नहीं किया तो उन्हीं का ही नेगेटिव जाएगा, उन्हीं का नाम खराब होगा। और खास तौर पे तब जबकि राजस्थान बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, ये सब जो बोर्ड हैं वो अपने स्टूडेंट्स को के नीड्स का बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत कैटर कर रहे हैं, बहुत देखभाल कर रहे हैं। सिर्फ मैं तो मेरे हिसाब से कल जो बात हुआ उससे मैं एक चीज के लिए निश्चिंत था कि रिजल्ट शायद पहले निकल सकता था, लेकिन क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि स्कूलों ने जो गड़बड़ी कर दिया मार्क्स देने में, इस वजह से CBSE जो है वो अटक गई, ठीक है। तो यहां पे ये चीज तो कंफर्म है कि रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है, मार्क्स आपको भर के मिलने वाले हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, अगर आप सबने भी JEE मेन एंड एडवांस 2022 एंड 2023 को टारगेट किया है, अगर आप भी इस प्रेस्टीजियस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट एंड बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल, क्योंकि 28 जुलाई से अन अकेडमी इज लॉन्चिंग 2 सेपरेट बैचेस फॉर क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स, जो की है अमर्ज बैच क्लास 11th JEE मेन एंड एडवांस 2023 और इवॉल्व बैच 2.0 फॉर क्लास 12th JEE मेन एंड एडवांस 2022, जिसमें एक्सपर्ट एजुकेटर्स लाइक ओम शर्मा सर, कपिल राणा सर, राहुल पारिक सर, शिखा मुंजाल मैम एंड मेनी अदर एक्सपर्ट एजुकेटर्स विल गाइड यू ऑल। और अब आप सब IIT JEE स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप सब ने अपने टारगेट, एम, तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपने कोर्स को चुन ही लिया होगा। तो गाइज, अब जल्दी से अपने कोर्स का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि प्राइस हाइक इज कमिंग सून। तो लीजिए अपने मनपसंद सब्सक्रिप्शन को और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को, और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट तुरंत। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Choose and join the batch now. For more details, go to the link in description. अब guys, second चीज जो आता है कि भाई आपका result कब, जो एक major सवाल है आप लोगों का, उसके regarding देखो मेरे पास में बहुत सारे messages है बेटा कि सर आप live हो जाइए। मैं live definitely, तबीयत तो ठीक नहीं है अभी भी मेरी, पिछले कई दिन हो गए तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं लाइव तो कभी भी हो जाऊंगा आपके लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है वो निकल कर के आया है। लीडिंग न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने इस बात को, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई रिजल्ट कब तक आउट होगा, तो उनका कहना था कि आने वाला 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है,
ठीक है, किसी वक्त भी रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, देखो मैंने कल परसों नर्सों मैं रोज बोल रहा हूं कि ये सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट ऐसे नहीं आ सकता। जब एक स्टेट बोर्ड का रिजल्ट जो है वहां के शिक्षा मंत्री घोषित करते हैं तो सोचो, ये तो भारत का बोर्ड है सीबीएसई, सबसे बड़ा बोर्ड, सीधे भारत के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, भारत के शिक्षा मंत्री के अधीन है, तो उनके तरफ से अपडेट तो निकल करके आना ही आना है। तो उन्होंने यही कहा भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि भाई हम लोग रिजल्ट पे, हमारी टीम जो है वो लगी हुई है, काम कर रहे हैं, और कुछ जो लूप होल्स हैं उस पर काम किया जा रहा है, वो सारा कंप्लीट होने के बाद में वो चीजें हम रिजल्ट जो है वो हम जारी कर देंगे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश ही है 31 जुलाई तक, तो उससे आगे तो एक्सटेंड हो ही नहीं सकता, मतलब इधर बीच में आपका कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो गाइज इट मींस इट्स अ ग्रेट थिंग। और वैसे आप देख भी रहे हो कि सीबीएसई का जो ऑफिशियल पोर्टल जो है रिजल्ट पोर्टल, वो चेंज होना शुरू हुआ है। अभी से कुछ देर पहले भी कुछ बच्चों ने मुझे फिर से यही लिंक शेयर किया और कहा कि सर थोड़ा सा देखिए ना, इसमें कुछ रिजल्ट का कुछ नया चेंजेस आया है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, हमारी टीम और मैं खुद इस रिजल्ट पोर्टल पे नजर रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं है। करंट इवेंट्स में 3 पॉइंट्स है और 2021 रिजल्ट के नीचे सी टेट जनवरी 2021 का रिजल्ट वहां पे मेंशन है, ठीक है, इसके अलावा भी कोई चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस आएगा और रिजल्ट का अपडेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन अब जो है वो लास्ट पॉइंट जो बोलते हैं ना काम, जो बस वही सब हो रहा है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ एक अपडेट मुझे और देना है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। आपको पता है हम अपने चैनल से पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही मैं कोई बात आपको बताते हैं, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी की बात है, ठीक है, तो वो अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो प्लीज बने रहना और वो वीडियो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, एक घंटा के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में और रिजल्ट आप लोग का सबका अच्छा आ जाएगा, एकदम आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।